कोरोना वैक्सीन को लेकर हर दिन एक नई अपडेट सामने आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शराब पीने की आदत कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन के असर को बेअसर कर सकती है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि वैक्सीन लगाने के 2 महीने बाद तक शराब से परहेज करना चाहिए। बता दें कि इस तरह की सलाह रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने भी लोगों के लिए जारी की है। रूस में इन दिनों आम लोगों को कोरोना से बचने के लिए स्पुतनिक 5 वैक्सीन की खुराक देने का काम किया जा रहा है। तातियाना गोलिकोवा के मुताबिक लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर उन्हें कोरोना से बचना है और वैक्सीन के असर को देखना है तो उन्हें शराब से कुछ दिन के लिए दूरी बनानी होगी। उन्होंने कहा, इस सलाह का मकसद लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि रूस के लोगों को स्पुतनिक 5 वैक्सीन देने का काम जारी है। टीकाकरण के 2 महीने बाद वैक्सीन अपना काम करना शुरू करेगी। ऐसे में 2 महीने तक वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। शराब वैक्सीन के असर को कर देती है बेअसर। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के गमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग के मुताबिक शराब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। ऐसे में अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी शराब का सेवन किया जाए तो टीके का असर उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार शराब पूरी तरह से वैक्सीन के असर को बेअसर कर देती है। कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ लोग निश्चित हो जाते हैं कि वे ठीक हो गए हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वायरस कोई आम वायरस नहीं है। ये शरीर में प्रवेश करने के बाद इम्यूनिटी से लड़कर खत्म तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। इसके पहले जैसी स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में कमजोर व्यक्ति को कोई दूसरा संक्रमण अपना शिकार बना सकता है, इसलिए इस समय बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। नेशन वन से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट।